क्या हो रहा है यहाँ? मेरे पापा कुएं में कूद गए, हम उन्हें बाहर निकाल रहे हैं। अबे उल्लू के पट्टे, तो फिर मैं कौन हूँ? अरे तू कौन है पता करने के लिए अभी वक्त नहीं है। क्या पापा? माँ तूने बताया नहीं मेरे दो दो पापा है? चुप कर पागल, क्या बक रहा है? अबे मूर्ख, तेरा एक ही बाप है, मैं हूँ मैं। अगर एक बाप बाहर है तो अंदर कौन है? अबे अंदर कोई अजनबी है गधे, वो देख, दिख रहा है? चल खींच, अबे खींच, बेचारा कब से पता नहीं पड़ा है उधर। चल लगा जोर, शाबाश, लगा जोर, थोड़ी मदद तो करो, कभी तो मेहनत का काम कर लिया कर। चल लगा, चल खींच, लगा जोर, शाबाश, शाबाश। डर क्या रहे हो? मैंने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी जान बचाई है। मैंने इस गांव की तो नहीं लगते हो, कहाँ जा रहे थे और ये कुएं में कैसे गिर गए? पापा फिर से कुएं में गिर के कैसे बताएगा? चुप, तुम कौन हो बेटा, कुछ तो कहो। लगता है गूंगा है बेचारा। गूंगे हो? नाम क्या है तुम्हारा? खाना। खाना? पापा बड़ा अनोखा नाम है। चलो लेकिन एक बात का तो पता चला, तुम गूंगे नहीं हो। हा? अरे खाना, उसे भोजन चाहिए, भूखा है बेचारा। जाओ दाल रोटी ले आओ। चल। इतने गहरे कुएं के अंदर हवा थी? नहीं पापा, वो अकेला था। चुटकुला सुनाने का भी कोई समय होता है? चुटकुला? ओ भाई साहब, खाना हो गया ना? चलो गांव के बाहर छोड़ आता हूँ, चलो। ओ लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको यहीं सोने दो आज रात। पापा ये, अरे भाई बीमार है बेचारा। तू कहाँ जा रहा है? मैं अंदर सोने? नहीं नहीं, तू यहीं सो। हा? रात को इसको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? तो अनजान आदमी है, रात को गला वाला दबा दिया तो आपका दूसरा बेटा भी गया। अरे बेचारे को रात को प्यास व्यास लगी तो? तो कुआ है ना अपना, वो सूखा नहीं है, जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा। भैया भैया उठो, सुबह हो गई, रोज ही होती है। अरे भैया सुनो, वो जो कल कुएं में गिर गया था ना? फिर से गिर गया क्या? नहीं, पर वो बाहर तुम्हारे टूथब्रश से दांत साफ कर रहा है। हाँ? हाँ? अरे उसके दांत खराब हो जाएंगे। ए, ये मेरा ब्रश है। हाँ अब नहीं चाहिए मेरे को। अरे
लगता है हाथी के खानदान से। स्नान भी खत्म। श्रीमान ये धुला हुआ है। लगता है इसे चलने में अभी भी कष्ट है। एक काम कर, इसे बाजार तक छोड़ा। वहां क्या देख रहे हो? ठीक है, अभी घर में कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। जोनी इसे ले जा चाय की दुकान पे, ले जाके कुछ खिला दे और मेरे खाते में लिखवा देना। इसको वापस मत लाना। जॉनी बेलिंडा, अरे किसी से भी पूछो मेरा नाम। इज्जत के साथ घर पे छोड़ के आएंगे। अरे बच्चा बच्चा मारता जानता है मुझे। हाँ। मुझे बताओ दुनिया में सबसे जरूरी क्या है? अरे खुश रहने का, जो मैं रहता हूँ। इसीलिए पूरा गांव जलता है मुझसे, बकरी बुलाते हैं मुझे। है लेकिन मुझे परवाह नहीं है। क्यों पता है? मुझे मालूम है मेरी तकदीर एक दिन मुझे बैठे बैठे करोड़पति बनाने वाली है। तब मैं दिखाऊंगा इन गांव वालों को, सिखाऊंगा इन्हें एक से करोड़ तक की गिनती। डरता नहीं मैं किसी से। मैं जरा जाके आया। कौन है रे तू? कभी देखा नहीं तेरे को यहाँ? भैंस को कभी देखा नहीं क्या? ए कौन है उधर? बकरी तू? तेरे को तो रात को जुल्लाब दिया था ना कि अंधेरे से पहले तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे इतनी हिम्मत आ गई बकरी में कि छुप छुप कर मारिया को देख रहा तू? नहीं मैं तो सुसु कर रहा था। क्यों, तेरे घर में करने की जगह नहीं है क्या? अब मैं तुझे कैसा सुसु कराती हूँ? तू देख, मारिया इधर। भैया वो चमगादड़ अंधेरे से पहले ही बाहर आ गया। मुझे घर जाना होगा। खाना ए, इसको खाना दे। और सुन, ये कौन है? क्या पता कोई नया आया लगता है। ए, दो चाय एक बिना शक्कर, इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। क्या? मेरा बाप, वो पापा के खाते में लिख दे। अच्छा लिख देगा, ये लिख दे रे, खाते में लिख दे पापा। अंकल पैद्रो भाई, दो पराठा एक चाय। पराठा नहीं बचेगा, और कुछ बोल। ये कौन है रे? पता नहीं, लगता है पराठे से इसकी कोई पुरानी दुश्मनी है। गोरा भैया तेरी तो। क्यों बे? अरे मना किया था ना, घर से निकल कर। अरे साला तो तू है ना। आज ही समझ बोलिए, आज ही काट लेना। शेर बन के घुस जा। मैं तो गधा हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं मकड़ी हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैंने मारिया को देखा। हो क्या बोला? अभी नहीं, सच कह रहा हूँ। मना किया था तुझे घर से निकलने के लिए। Let's go!
मेरा पराठा। अरे यार लगता है मैं देरी से आया। कब शुरू हुई है फिल्म? मेरा पराठा पराठा पराठा। ए पिंटू मार्केट में मारपीट बहुत मजा आ रहा है। कितना टाइम के बाद मिसाले ये ले। मार देगा। भाग तो नहीं, भाग। सबका भाग रहा है साले। सब मार मार। डर गया साले? मैं बोलता नहीं था तो खून का समझ लेता क्या? कैसे काटता हूँ साले? पड़ोसी का खेत समझा क्या? जो कोई आएगा भूत के जाएगा। ये किंग कॉन्ग कहाँ से मिला? कुएं से। कुएं से? हाँ, रस्सी डाल के निकाला। अबे वो मेंढक है जो कुएं से मिला, सच बोलना। इधर 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 आ यार। अरे तू आ इधर। अरे क्या कर रहा है? क्या है? मैं जानता हूँ ये कौन है। कौन? तेरा भाई है ना? हा? है ना? अरे वही जो सालों पहले तुम लोगों को छोड़ के चला गया था। क्या नाम था उसका? सैम। सैम भैया है ना? है ना? तो मुझसे नहीं छिपा सकता, सही पहचाना ना मैंने? हाँ, हाँ। ए? ए? अरे इसीलिए तो मुफ्त में तेरी जान बचा रहा है, मैं जानता हूँ। है ना? है ना? है ना? तूने ढूंढ लिया तूने बदमाश। दर्द कमीना नहीं है क्या? मैं जानता था। अरे यार तू बकरी है तो वो शेर है। शेर? मेरी बात सुन, उसको खिला पिला के सांड के जैसा बना के रख, तेरी सुरक्षा करेगा। लॉटरी लग गई तेरी। सही बोल रहा है यार। पिंटू अंकल, क्या हुआ? जोसेफ अंकल मर गए। अरे वाह बेटा, चॉकलेट दूंगा। जोसेफ की साइज का रेडी है ना? ओ ताबूत निकाल जल्दी, फटाफट लेके जा हॉस्पिटल लेके जा। 12 दिन लगा दिया जोसेफ ने मरने में। इतने दिन से रजिस्टर में नाम लिखा था जोसेफ जोसेफ जोसेफ, मरता ही नहीं है। क्या ढूंढ रहे हो? क्या चाहिए? कुछ काम। क्या क्या कहा तुमने? काम? तुम्हें काम चाहिए? वो भी इस गांव में? ओ भाई साहब, वहां बाजार में जो इतने सारे लोग तमाशा देखने खड़े थे ना, वो क्यों खड़े थे? हाँ, क्योंकि वो सब खाली है, कोई काम धंधा नहीं है उनके पास। फिर खाना? अरे यार हद करते हो तुम भी। बकरी। ए, तेरा बाप बकरी। किसने कहा तुमसे कि पेट भरने के लिए काम करना जरूरी है? हाँ मुझे देखो, मैं कुछ काम करता हूँ फिर भी 3 टाइम जमा के खाता हूँ। अगर तुम्हें भी ऐसे ही मुफ्त का खाना खाना है तो पूरे गांव में बस एक ही जगह है और वो है मेरा घर। लेकिन वहां रहने के लिए तुम्हें बस एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। बोलोगे ना? हाँ? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा। हाँ तुम टेंशन मत लो। लेकिन मैं जो बोलूंगा ना उस पे बस हाँ मैं मुंडी हिलाना। हाँ उतना तो करोगे ना?